जय जगन्नाथ। वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल गुड टाइम्स विद प्रियंका एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। दिस इज़ अ वेरी स्पेशल व्लॉग। आज मैं पूरी जगन्नाथ आई हूँ, जगन्नाथ धाम आई हूँ, विच इज़ वन ऑफ आर चार धाम्स। और ये पवित्र स्थान आज मैं आई हूँ। मैं एक ओडिया हूँ और मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुकी हूँ, बट आफ्टर द रीसेंट परिक्रमा प्रोजेक्ट जो कि यहाँ का कॉरिडोर है जो नया बना हुआ है, ये बनने के बाद ये मेरा पहली बार है एंड दिस इज़ व्हाई आई थॉट कि आई शुड व्लॉग दिस एक्सपीरियंस। और जो लोग अभी तक यहाँ पे नहीं आए हैं या आपका प्लान कुछ बन रहा है पूरी जगन्नाथ आने का, देन दिस व्लॉग इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो इस व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा एंड इफ़ यू हैवंट इट सब्सक्राइब टू माई चैनल प्लीज़ गो हैड एंड सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं हमारा ये तीर्थ स्थान इन जगन्नाथ धाम पुरी। तो जगन्नाथ धाम चारों धाम में से एक है और यहाँ पे हर दिन करीब 30,000 से लेकर 3,00,000 तक भक्तों की यहाँ पे भीड़ होती है। तो यू विल नेवर फाइंड दिस प्लेस एम्प्टी, यहाँ पे हमेशा ही भक्तों की भीड़ लगी रहती है। नॉर्मल डेज़ में करीब 30-40,000 लोग आते हैं और अगर कुछ स्पेशल डे है, कोई ऑस्पिशियस डे या कोई फेस्टिवल, कोई संक्रांति है, तो ये नंबर जो है वो बढ़ के 3,00,000 तक भी होती है। सो दिस इज़ आर लॉर्ड जगन्नाथ महिमा और इनको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं। सो यू कैन कम हियर बाय ट्रेन, यहाँ पे प्रॉपर रेलवे स्टेशन है विच इज़ कनेक्टेड टू एवरी मेजर टाउन्स एंड सिटीज़ इन इंडिया। यहाँ पे बस स्टैंड है, बस से भी आप आ सकते हैं। आप अगर भुवनेश्वर आते हैं जो कि यहाँ से 60 किलोमीटर है करीब, वहाँ से आप बस लेके यहाँ पे आ सकते हैं। एंड द एयरपोर्ट इज़ इन मेकिंग, वो कुछ ही दिन में हाल ही में स्टार्ट हुआ है और कुछ दिन में वो बन के तैयार हो जाएगा, फिर यहाँ पे फ्लाइट कनेक्टिविटी भी हो सकती है। बट दैट्स नॉट एन इश्यू क्योंकि जैसा कि मैंने बोला भुवनेश्वर यहाँ से 60 किलोमीटर है, तो अगर आप वहाँ से फ्लाइट में आते हैं दैन वहाँ से आपको 1.5 घंटा 2 घंटा में आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। सो ये हो गया आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द स्टे, तो यहाँ पर आपको छोटे बजट के लाइक धर्मशाला मिल जाएंगे, गेस्ट हाउसेस मिल जाएंगे, प्रॉपर होटल्स, लॉज, एयरबीएनबी सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो डिपेंडिंग ऑन योर बजट आपको कहाँ पे कैसे स्टे करना है वो सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम 300-400 जो कि धर्मशाला में होती है, टू यू नो यू कैन गो बियॉन्ड 10,000 इवन। तो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मच बजट यू आर प्लानिंग ऑन, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे स्टे मिल जाएगा। नाउ कमिंग टू द न्यूली रेनोवेटेड परिक्रमा मार्ग, इसको बनाया गया है ताकि भक्तों को एक डिवाइन एक्सपीरियंस मिल सके। दे शुड बी एबल टू वॉक ऑल अराउंड लुकिंग एट द टेम्पल। भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन के लिए आने वाले हजारों लाखों की भीड़ को मैनेज करने के लिए बनाया गया ये परिक्रमा मार्ग वॉज द नीड ऑफ द आवर। पिछले कुछ सालों में भीड़ के वजह से रेगुलर स्टैम्पेड लाइक सिचुएशंस अराइज हो रही थी और ऐसे में मंदिर और भक्तों की सेफ्टी वॉज ऑफ अटमोस्ट प्रायोरिटी। इसलिए This 75 meters heritage corridor was constructed to accommodate both pedestrian and vehicular movement. तो बात करते हैं यहाँ की फैसिलिटीज़ की। तो जैसा कि आगे सारे मंदिर में कॉरिडोर बनाया गया है, अभी हाल ही में पूरी में भी ये परिक्रमा मार्ग जो कि यहाँ का कॉरिडोर है वो बनाया गया है और ये मैं पहली बार यहाँ पे आ रही हूँ एंड इट हैज़ been done so beautifully। जैसे कि आप देख सकते इतना बड़ा एरिया में बनाया हुआ है 75 meters from the main temple। यहाँ पे सारे क्लोक रूम, रेस्ट रूम, पानी, ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा, वॉशरूम्स की सुविधा, यहाँ पे अंदर फोन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है, तो वो रखने के लिए भी सब कुछ बनाया गया है। एंड दे हैव इंस्टॉल्ड आर कल्चर लाइक शंख हो गया, फिर बीच बीच में मंदिर हो गए, मूर्तियाँ हो गई, जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था महादेव जी की मूर्ति थी, नंदी की मूर्ति बनी हुई थी। सो जस्ट ब्यूटिफुली शोकेसेस आर कल्चर, आर गॉड्स इन सच ब्यूटिफुल वे। तो ये आपको देखने आना ही चाहिए एंड बहुत ही अच्छे से बन गया है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे बहुत भीड़ होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत स्पेशियस तरीके से ये बनाया गया है। पार्किंग, मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया है, वहाँ से गाड़ियाँ हैं फॉर सीनियर सिटीजन्स टू ब्रिंग देम हियर टिल द टेम्पल। सो इट्स जस्ट ब्यूटिफुली मेड। तो जगन्नाथ धाम वन ऑफ द ओल्डेस्ट और एंशियंट मंदिर है भारत में और यहाँ के बहुत सारे रीति रिवाज है जो कि
पिछले हजारों सालों से चलते आ रहे हैं. सो देर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन दैट वी मस्ट अधेयर टू वाइल विजिटिंग द टेम्पल. तो सबसे पहला जो रूल है, द टेम्पल इज नॉट एक्सेसिबल टू नॉन हिंदूज. तो अगर आप नॉन हिंदू हैं तो आप अंदर नहीं जा सकते. एंड हमारे भगवान जगन्नाथ जो है वो अपने श्रद्धालु को इतना प्यार करते हैं, उन्हें इतना प्यार है, वो खुद साल में एक बार अपने मंदिर से बाहर आते हैं रथ यात्रा के टाइम. तो जो नॉन हिंदूज हैं एंड यू वर्शिप लॉर्ड जगन्नाथ, यू आर अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, तो यू नीड नॉट वरी. आप रथ यात्रा के टाइम यहाँ पे आएँ और भगवान खुद अपने मंदिर से बाहर जाते हैं और अपने भक्तों से मिलते हैं. सो यस गाइज, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल कि यहाँ पे नॉन हिंदूज अलाउड नहीं है, इवन फॉरिनर्स आर नॉट अलाउड हियर. एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे एंट्री गेट जो है वो एक ही है, विच इज़ कॉल्ड द सिंह द्वार. तो यहाँ पे चार गेट्स है बट एंट्री बस एक ही गेट से होती है, विच इज़ कॉल्ड द सिंह द्वार, और बाकी जो तीन गेट्स हैं वहाँ से एग्जिट होती है. तो आप जब यहाँ पे आए, अपना चप्पल वगैरह, आपका फ़ोन, कैमरा, बेल्ट, सब कुछ आप क्लोक रूम में रख सकते हैं. गवर्नमेंट शॉप से यहाँ पे, एंड दे कीप योर थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट और पूरा ही सेफ है. तो आप वहाँ पे रख के आए, एंड यू कैन कैरी योर पर्स क्योंकि अंदर आपको प्रसाद वगैरह लेना होगा. एंड इंटरेस्टिंगली, जो कॉन्डलाइट स्टोन मंदिर बनने में यूज हुआ था उसी से बना है ये परिक्रमा मार्ग. Also hidden since ages, the Meghanath Pachuri is now finally visible from all sides. आज की डेट में भक्तों को श्री मंदिर का एक हैसल फ्री और डिवाइन एक्सपीरियंस मिल रहा है. द टेम्पल कैन बी विजिटेड एट एनी टाइम ऑफ द डे, बट सबसे कम भीड़ आपको सुबह सुबह मिलती है और देर रात में मिलेगी. आई वॉज हियर ड्यूरिंग द इवनिंग एंड दिस वॉज द क्राउड ड्यूरिंग दैट टाइम. क्लोकरूम तक का रास्ता और आगे सिंह द्वार तक प्रॉपर क्यू और सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग है, जिससे काफी राहत मिल रही है. सो गाइज, हमारा दर्शन हो गया, अंदर हम गए थे और बहुत अच्छे से दर्शन हुआ. ऑफकोर्स देयर वॉज क्राउड, बट ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लगा होगा दर्शन के लिए. और हमने अंदर प्रसाद सेवन भी किया जो यहाँ का अभड़ा होता है. वी हैड इट एंड इट वॉज एज यूजुअल डिलीशियस. और अभी ये शाम का माहौल है यहाँ का. दिस इज़ हाउ द प्लेस लुक्स ड्यूरिंग द इवनिंग. All lighted up and all beautiful. और शाम को भी इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं. पूरी ओडिशा के उन कुछ जगहों में से है जहां अभी भी ट्रेडिशनल रिक्शास चलती हैं, और इसमें बैठ के पूरी के रास्तों में सफ़र करना इज़ एन अल्टीमेट फीलिंग जो आपको ज़रूर एक्सपीरियंस करना चाहिए. पूरी अपनी मिठाइयों के लिए बहुत जाना जाता है, खास करके मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं, छेना जो है ओडिशा का बहुत ही फेमस, छेना के मिठाइयों के लिए. दिस इज़ समथिंग आई गॉट कॉल्ड एज सौरा रबड़ी. तो रबड़ी होता है बेसिकली, एंड मक्खन जो होता है उसका, मलाई, नॉट मक्खन, मलाई, मलाई वाली रबड़ी होती है ये. एंड इट जस्ट कॉस्ट
₹40 फॉर 100 ग्राम्स. सो लेट्स टेस्ट. यम्मी, सो डिलीशियस. The street in front of the temple is called the Bodhidanda or the Grand Road. It's a hustling, bustling, lively and vibrant street. A walk or a ride here you should definitely experience. And with this, I shall be ending this vlog. Hope you liked it. And if yes, please hit the like button and subscribe to my channel. I'll see you next time. Jai Jagannath.